हम नहीं जाएंगे, तुम तो कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, जा रहे घर अम्मा को बुला रहे हो, चलो चले अब जाने की जल्दी हो गई। हाँ दिन में कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, नहीं रुकेंगे, बातें बहुत बनाता जशु घर जा रहे हैं, पलट गए एकदम से। जशु घर जा रहे हो? ना जाओ, आओ मेरे पास, जाने दो, आओ। ये देखिए कैसे रो, चले जाओ जाओ जाओ। तो गाइस जशु घर जा रहे, मम्मी भी घर जा रही, पापा भी घर जा रहे, और ये बस उमरा पे नहीं जा रही है, क्योंकि आपको तो पता है फ्री का खाने की क्यों आदत है। गजब बेइज्जती है। आज फौजिया पे इतना व्लॉग नहीं बना पाई, तो कल कंटिन्यू होगा। और फौजिया पे को इतनी जल्दी नींद आ रही है, अभी 12:10 हो रहा है, इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही। रात में क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो तो जशु भी चला गया उसके साथ बनाते हैं। हाँ जशु भी चले गए, अब जशु एकदम तो पलट गए, जाना है जाना है जाना है। तो ये व्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज तो हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया, तो ये व्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे, कल ही अपलोड करेंगे। तो आपसे मिलते हैं सुबह, अल्लाह हाफिज़। सही तो लग रही, फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कबूली, चने की दाल भी बहुत ही। अभी मम्मी को नहीं बताया कि क्या बना रहे हैं। कैसे हैं आप सब, बहुत सब ठीक होंगे। तो हो गया दूसरा दिन, कल हमने कुछ भी नहीं शूट किया था, क्योंकि कुछ शूट करने को था ही नहीं, और मेरे मतलब हमने ब्लॉग अपलोड किया था तो उस पर व्यूज़ भी नहीं आया था, तो मेरा मूड थोड़ा उस पर भी ख़राब था। मतलब हम इतनी दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं, एडिट करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर डालते हैं, और फिर व्यूज़ ना आए तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है गाइस। तो इसलिए हमने कल कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया, तो आज हम फिर से मतलब कल थोड़ा बहुत शूट किया था, वो आप लोग को क्लिप इसके बाद याली क्लिप के बाद आप लोग को दिखेगा। तो आज हम अपनी कबर्ड साफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हमने अपनी कबर्ड नहीं साफ़ की, मतलब सब सही से नहीं रखा, तो जितनी बार सही करो वो ख़राब हो जाता है। तो आज हम वो सही करेंगे, और आप लोग को दिखाएंगे भी कि मतलब मेरे पास कितने कपड़े हैं, क्या है, कहाँ से लिए थे, और वो अभी तक हैं कि नहीं मेरे पास, सब कुछ बताएंगे आपसे। क्योंकि मम्मी बहुत चिल्लाती हैं कि कहती हैं सबसे ज़्यादा कपड़े तुम्हारे ही पास हैं, तो उसको थोड़ा हम सोच रहे हैं जो हम नहीं पहनते वो किसी को दे दें कुछ भी, मतलब अभी हम सब कुछ आपको दिखाएँगे। चलिए हमने खिचड़ी तो बगाड़ दी है, कबूली आज बना रहे हैं, तो वो हमने कुछ चढ़ा दी, वो पक रही है। तो चलिए चलते हैं अलमारी की तरफ, अपने सारे कपड़े पहले गिराएंगे, फिर उसमें से देखेंगे क्या है क्या नहीं है, देखिए सीटी आ रही है। तो चलिए चलते हैं, तो फिर आपको भी दिखाते हैं। तो फिर लखनऊ में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि आप लोग से बता नहीं सकते, और पंखा हम बंद नहीं कर सकते, तो पंखे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर कर दिएगा, क्योंकि बंद कर देंगे तो फिर हम कैसे, तो अलमारी मेरी यहीं रखी है, तो हम कैसे कपड़े वपड़े सही करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिएगा, क्योंकि वाले कमरे में एसी लगा, या एसी नहीं लगा, या सिर्फ पंखा लगा है। तो इसलिए मम्मी कह रही थी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह लगवा देंगी वो मेरे रूम में, तो मेरा रूम है यहाँ, सब अपने कपड़े सब कुछ यहीं रखते हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसको, अलमारी को साफ़ करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या हमने लिया था, क्या क्या नहीं। बहुत से मेरे कपड़े नए भी रखे हैं जो अभी तक हमने नहीं पहने, वो भी आप लोग को दिखाएंगे आज हम। तो चलिए चलते हैं। देखिए देखिए मेरी छोटी सी अलमारी और कपड़े इतने हैं, ये देखिए आप खाली कपड़ों की अंबार देखिए। मम्मी बहुत चिल्लाती है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कि पापा इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं, किसी को दे दो, किसी को कुछ कर दो। तो आज थोड़े कपड़े हम निकालेंगे भी, ये देखिए सर, और ये बास्केट भी रखी, बास्केट कबड मेरी खाली हो गई। अब ये उमरा की कबड है, देखिए टू लव फ्रॉम उमरा की कबड, ये हमने बना लिया अपनी, मम्मी हमें दिलाएगी बाद में। नीचे वाली अभी रह गई निकाल, ये देख कितने कपड़े हैं। देखिए मेरा बैग पुराना बहुत चला है, प्योर लेदर का ओरिजिनल, सोच रहे निकाल ली यूज़ करने के लिए आजकल।
और भी बैग है मेरे, सब नीचे रखे हैं कुछ। ये कपड़े ये फौजेपी का बहुत सारा बवाल। देखो हमारा उसके अंदर क्या चला, क्या है ये? अच्छा हमें लग रहा वो है फूल वूल थे शायद, फूल फौजेपी के प्यार भरे फूल इसमें जम के। ये देखिए सफाई करने वाली हो गई, इसमें क्या है अंदर कुछ तो नहीं, नहीं है इसमें। तो ये मेरा बैग पुराना है लेकिन सही है, अभी तो ख़राब नहीं हुआ। देखिए अब लेदर का है, क्यों ये बैग डेली का है, एक मेरी फ्रेंड थी उसने ला के दिया था। चलो ये देखिए हमने मतलब सब एक एक चीज़ एक एक बार पहनी हमने। ये मेरा बर्थडे वाला टॉप याद है, याद है ये मेरा बर्थडे पर हमने पहना था, उसके बाद हमने नहीं पहना। टी शर्ट इसको आज तक नहीं पहनने दिया, ये वैसी का वैसी रखा। आप देखिए तो पता पीछे से बहुत अच्छा लॉन्ग है पूरा, और आगे से कुछ इस तरीके से, लेकिन अस्तीने से भी उसमें एक ही दी मतलब दूसरी अस्तीन नहीं दी है। ये देखिए दिखाओ, ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं, ये देखिए सिर्फ एक अस्तीन दी है दूसरी नहीं दी है। तो वही अपनी जगह बिल्कुल नहीं पहनो, चाहिए जितने का हो तो इनको पहनने को नहीं दिया था अभी तक नहीं पहना। हाँ तो ये टॉप भी रखा है वैसी का वैसी। तो ये टॉप को हमारा क्या करोगे, दे दो तुम किसी को। ओके वैसे हमें तो पहनना नहीं, या फिर इसमें जुआ सकती है या स्लीव लग जाए तो पहन लो तो अच्छा लगेगा। जैसे वो इकरा का है नहीं मरून वाला टॉप, आगे से शॉर्ट पीछे से लॉन्ग वो टॉप भी। हाँ, तो हम क्या पीछे का कपड़ा काट के आगे की स्लीव बना लें उसकी। हाँ, बहुत सारी मतलब मेरे पास बहुत पुरानी टी शर्ट है लेकिन जो ख़राब नहीं हुई है। देखिए ये ट्रेंस की टी शर्ट है, ये मेरी फ्रेंड ने हमें गिफ्ट की थी वहाँ की। देखिए 10 बार इसको धो चुके हैं लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो जिसको टी शर्टें लेनी है वो ट्रेंस से ले, लेकिन हम मैक्स ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मैक्स की ज़्यादा अच्छी होती है मैक्स वाली टी शर्ट मेरी। ये भी नहीं, ये भी वहीं की ट्रेंस की मैक की टी शर्ट कहाँ गई मेरी, मैक की टी शर्ट। टी शर्ट ये किसकी है, ये तो मिंत्रा से मंगाई थी वही वाली। अच्छा हाँ। उल्टी है ये मिंत्रा से मंगाई थी, एक और थी ग्रीन वाली वो भी खो गई, वो भी बहुत अच्छी टी शर्ट थी मिंत्रा वाली। याद नहीं ग्रीन कलर की थी, यहाँ पे स्टेप लगे थे वो। हाँ, अच्छा वो वाली, वो वाली वही देखिए टॉप आपको सीधी करके दिखाते हैं क्योंकि इनको भी मम्मी ने पहनने नहीं दी, क्योंकि मम्मी ने हमको भी नहीं पहनने दी। सी देखिए अच्छी टी शर्ट लग रही थी हमें, ये देखिए कि मम्मी ने हमें पहन, मम्मी ने कहा हीरा को तो ये हीरा के नाम की तो ये हीरा को दे देगा। हम जो कपड़े नहीं पहनते वो हीरा के हो जाते हैं। ये टी शर्ट भी मेरे पास नई अभी तक रखी है, देखिए नई नहीं पहनी, क्यों? क्योंकि इसका कलर रेड है, उस टाइम तो हमने ले लिया लेकिन दोबारा नहीं पहनी, तो ये भी हीरा पहन ली तो सब हीरा को दे देंगे। ये तो शॉल्ट है, ये भी भाई दुबई से लाया था वो टी शर्ट, मॉमी टी शर्ट बोलते मॉमी टी शर्ट। ये तुम लेके आई हो, तुमने एक बार पहना, ये उमरा के कपड़े भी यहाँ रखे रहते हैं। देखो ये उमरा लाई थी ये ड्रेस, इन्हें आज तक नहीं पहनी, वो मौका ही नहीं मिला कहीं पहनने का इसे। ये भी रखी है, ये देखिए जीन्स, जीन्स भी अभी हम ये लाए थे पहनी नहीं, एक बार पहनी सिर्फ बस। कब पहनी थी? पहनी थी एक बस, लग रही ना कलर ब्लैक, इसी पे तो पहनने के लिए मंगाई थी हमने वो टी शर्ट ब्लैक वाली। अब कोई बात नहीं, अब अपनी पानी फूल गया। ये देखो ये लवलेन का टॉप लाया तुम ना, वो इसका वो नेक पड़ा है, दोबारा वापस, अब क्या वापस करेगा वो? हम मना किया था, अब वो रिटर्न कराएगा नहीं, वो लाइट नहीं आ रही थी अंधेरे में ले लिया। देखिए फ्रेंड्स टॉप तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत कलर भी बहुत अच्छा है, पहनने भी बहुत अच्छा, बस इसका बहुत डीप नेक है, पहनने भी बहुत अच्छा लग रहा है, बस इसका नेक बहुत डीप है, तो डीप नेक तो अलाउ नहीं है, कुछ जुगाड़ करेंगे इसमें। इसमें तुम ब्लैक कलर का यूँ कपड़ा नेट लगवा ले रहे सोच रहे हैं। ये भी नया टॉप है मेरा, हमने अभी तक पहना नहीं, बहुत सारे टॉप है। ये उम्र की ड्रेस हमने दिलाई थी बर्थडे की,
लेकिन मम्मी ने पहन ली पहले। आपने देखा होगा मेरी हेयर्स वाली वीडियो में, जब हेयर्स करवाए थे तब का पहन के सूट भी करा था। जीन्स हमारी बर्थडे के उम्रा को बर्थडे पे दिलाई तुमने ये जीन्स। ये जीन्स हमें बहुत अच्छी लगती है, आजकल चल भी रही लूज लूज जीन्स, क्योंकि लखनऊ में बहुत ज़्यादा हो रही गर्मी। ये देखिए फिर ये जीन्स मेरी मतलब 4 से 5 साल हो गए हैं और ये जीन्स आज भी वैसी ही है, कुछ भी इसमें ख़राब नहीं हुआ। लवले मार्केट से, हाँ ये एक शॉप है वहीं से हमने जीन्स लेते हैं, वहीं से लेते हैं, वहीं की है जीन्स, उसको 5 से 6 साल हो गए और वहाँ की जीन्स बहुत अच्छी है। ये जीन्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, आप लोग देख ही सकते हैं, लग रही है अभी एकदम नई। पहनते हम इसलिए नहीं क्योंकि आजकल फैशन में लूज जीन्स चल रही है, तो इसलिए हम लोग नहीं पहनते। थोड़ा मैं नहीं मानता। मैं याद हम लोग सर्दी में गए थे, तुम नहीं थी ना शायद, तुम नहीं थी, नहीं थी कब हम तुम मेरा वो कर देना भी। तो ये देखिए हम फॉरएवर से लाए थे टी शर्ट, ये देखिए आज तक ये रखी है, पहनने की नौबत ही नहीं आई इसे। हम सोचते हैं कि कहीं बार बार जाएंगे तो पहनेंगे, लेकिन नौबत ही नहीं आती। ये देखिए बिल विथ टैग लगी हुई रखी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए 1500 की टी शर्ट लाए थे, ये अभी तक मैंने नहीं पहनी, अभी तक रखी। तो देखिए इसका कैरी बैग भी, और देखिए स्प्रे भी लाए थे बॉडी, ये भी रखा इसी में, आज हमने निकाली देखा तो याद आया देखिए। और इसमें की नेहा ने भी ली थी, याद है तुम्हें, नेहा ने भी ली थी, याद है नहीं गए थे, गए नहीं थे बर्थडे में तुम्हारे, इकरा का बर्थडे था, किसका बर्थडे था, हाँ हाँ इकरा के बर्थडे से पहले गए थे, तुमको नहीं याद है, तुम नहीं गई थी शायद, नेहा लोग गई थी, हाँ नेहा गई थी, नेहा हम इकरा और कोई भी था तो गई थी। नेहा ने भी सेम ऐसी टी शर्ट ली थी अपने लिए, उसने पहन ली है शायद, हमने अभी तक नहीं पहनी। नेहा कह रही थी किसी ने पहन के आएंगे सेम तो वीडियो बनाएंगे रील दोनों लोग, ठीक है तो ये रखी न्यू। और अभी लवलेन से भी तो लाए हैं वो, कहाँ गया मदर्स डे वाले थे, ये शर्ट ली थी हमने अभी तक नहीं पहनी, ये भी हमने नहीं रखी। एक और शर्ट ली थी हमने लॉन्ग, क्योंकि मम्मी को ज्यादा ही लॉन्ग पसंद है ना, मम्मा कहती मेरे लॉन्ग कपड़े पहनो ये वो बात है। ये देखिए लॉन्ग एक ये ली थी हमने, ये देखिए ये लॉन्ग शर्ट है, मतलब उसके अंदर जगदी पहनी जाएगी। ये एक ड्रेस रखी है भी नहीं पहनी, ये लॉन्ग ड्रेस है, ये लॉन्ग ड्रेस है। बहुत सारे कपड़े हैं मेरे फ्रेंड्स, सबको क्या क्या दिखाया तो यही सब है, मेरा टी शर्ट है, चिकन के कुर्ते भी बहुत सारे रखे हैं। ये देखिए एक ये है चिकन का कुर्ता, अभी तक नहीं पहना हमने, मेरे पास भी बहुत सारे चिकन के कुर्ते रखे हैं। और एक और ये कॉटन का था, एक कॉटन का पहन चुके हैं, एक और रखा है ग्रे वाला, आगे ग्रे वाला कुर्ता लाऊंगी, ये तो नहीं है, हाँ ये है ग्रे कुर्ता चिकन का। देखिए ये खेती है, तो बस यही सब मेरे कबर्ड में है, जो स्टोर भी मेरे पास बहुत सारे हैं। ये देखिए हर कलर का, हर वैरायटी के स्टोर हैं आपको मिलेंगे। ये देखिए सर्दी वाले, गर्मी वाले, सब ये वाला भी, ये भी, हाँ ये मफलर टाइप का है, मतलब तो हर तरीके के स्टोर है मेरे पास। ये टॉप भी बहुत प्यारा था, ये हम इकरा ने मेरे बर्थडे पर पहना था, ये भी मतलब अपने ही लिए लाए थे, लेकिन इकरा ने कहा पहने तो मैं चलो तुम पहनना, ये भी लवलेन मार्केट से ही लिया था। ये देखिए स्टोल, हर तरीके के स्टोल है मेरे पास, आधे खैर मेरे बटे हुए हैं स्टोल, ये देखिए सब कलर के स्टोल है मेरे पास। ये है ये जीन्स सब पुरानी जीन्स है मेरी, लेकिन अभी तक कपड़ा इसका नहीं है हम लोग, हाँ। देखिए जो नई भी आती थी जीन्स वो भी अब मेरे आने लगी, क्योंकि हम थोड़े दुबले हो गए पहले से, हाँ क्या। ये देखिए ये पजामा, याद हमारा गर्मी में लाए थे लास्ट टाइम, समर्स में लाए थे हम, अभी तक बहुत कंफर्टेबल होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको जिसको पहनना पसंद होता है वो पहनता,
हम तो पहनते हैं भाई टी शर्टों पर, हमें अच्छा लगता है। इसी में हमने ग्रीन कलर वाली टी शर्ट पहनी थी, याद है तुम्हें? टी शर्ट मिली ही नहीं है आज तक। इसमें एक नाइट सूट लाई थी, अभी तक रखा, अभी तक पहने नहीं है। इतना नाइट सूट मिलेगी स्टोर, हर तरीके की स्टोर है। भैया की टोपी, इसमें क्या रखा है? इसमें प्राइवेट सामान है, इसको नहीं दिखा सकते। और क्या है इसके नीचे में? तो सब टी शर्ट है मेरी, और भी बहुत सी टी शर्ट है। मैक्स की टी शर्ट पता नहीं कहाँ दिखी नहीं रही है। तो ये एक टी शर्ट लाई थी सेंट्रल से बहुत साल पहले, तो अब तो बंद भी हो गया सब सहारागंज में सेंट्रल। हाँ, ये सहारागंज से लाए थे, सहारागंज से लाए थे, लेकिन एक ने आज तक नहीं पहनी। तो ये हीरा के लिए हमने निकाली थी, लेकिन तब भी वो पहनती नहीं है, मेरे कपड़े निकाल के पहन लेती। हीरा को दे देंगे, ये भी हीरा पहनेगी। तो भाई यही सब मेरे कपड़े हैं बहुत सारे, ये देखिए बहुत सारे स्टॉल हैं, ये देखिए स्टॉल तो बहुत सारे, बहुत कलर के हैं, थोड़े ऊपर भी रखे रखे दिखा रहे हैं। ये देखिए स्टॉल ही स्टॉल है मेरे को। ये देखो उम्र का बर्थडे वाला टॉप, ये बहुत अच्छा लगता है उम्र, पॉलका डॉट वाला टॉप, बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन का। ये भी हम लोगों ने लवलेस लिया, और इसमें मतलब ये इतना कंफर्टेबल है कि आप बहुत मतलब कैरी कर सकते हैं आराम से, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत। तो गाइस ये देखिए फाइनली मेरी टी शर्ट मिल गई, मैक्स से ली थी हमने। एक और टी शर्ट थी वो खो गई, नहीं मिल रही है, कोई पहन के चला गया होगा। ये देखिए मैक्स सी, अभी तक वैसे ही, अभी तक वैसे ही, कोई इसमें रोया वगैरह कुछ भी निकला। और ये बहुत अच्छा कपड़ा है, इस टी शर्ट को करीब 3 से 4 साल होने वाले हैं, 3 से 4 साल। और ये देखिए ये टॉप इकरा का है, मतलब हम लोग सब लोग मतलब पहनते हैं, हुसैन ब्रदर्स का है ये टॉप, ये भी हुसैन ब्रदर्स का, ये हीरा आजकल घर में पहनती है, बहुत बड़ी रजवाड़ी ये हुसैन ब्रदर्स लव लेन में, लव लेन मार्केट में हुसैन ब्रदर्स। ये नॉर्मल टी शर्ट वी मार्ट से ली थी, 2-3 ली थी, मिल नहीं रही हैं। वी मार्ट के भी कपड़े अच्छे थे। और जो टॉप हमने पहना था अपने बर्थडे पे, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये भी हुसैन ब्रदर्स का ही है, लव लेन में है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा फिर जाकर। देखिए तो यही सब है बस, आपको क्या क्या दिखाएं, आप लोग देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन मेरे कपड़े ख़त्म नहीं होंगे बिल्कुल भी। ये देखिए इतने हर वैरायटी के मेरे पास स्टॉल भी मिलेंगे, मतलब हर कलर के, मतलब मेरी आदत है कि हम जो कपड़े लेते हैं तो उसका मैचिंग का स्टॉल भी लेते हैं, मेरी आदत। तो मेरे पास स्टॉल भी बहुत पुराने पुराने हैं, देखिए अभी तक चल रहे हैं, हमने बहुत साल पहले लिया था ब्लू कलर का, एक ब्लू कलर का पहने भी हैं, एक ग्रीन कलर का मेरे पास स्टॉल था वो भी बहुत अच्छा था, वो खो गया, मिल नहीं रहा। और ये सब लव लेन के स्टॉल हैं, मतलब जो छोटे स्टॉल होते हैं वो लव लेन से लेते हैं। ये देखिए ये हमरा गिफ्ट किया था, ये पॉलका डॉट वाला, ये ब्लैक ब्लू तो हम पहने ही हैं। ये देखिए एक वो देखो वो टंगा है वहाँ स्टॉल, ये सब स्टॉल ही है मेरे, सब बहुत सारे, वो देखो आप दीवान पड़ा वो, तो बहुत सारे स्टॉल हैं मेरे पास। तो यही सब है मेरे, और अभी बास्केट का तो निकाला नहीं, बास्केट दिखा दो, कपड़े भरे पड़े हैं और मम्मी चिल्लाती रहती है। बास्केट का तो अभी निकाला नहीं है, वो आपको बास्केट में उतर करो, बास्केट में सिर्फ आपको सूट मिलेंगे बस, और कुछ नहीं बास्केट में, मतलब जीन्स टॉप वगैरह नहीं, जीन्स टॉप अलमारी में रखते हैं, बास्केट में सूट रखते हैं, तो उसमें सिर्फ सूट है, डेली वेयर के कपड़े हैं और सूट हैं बस। तो यही मेरा सब सामान है। तो अभी फौजे पे अपनी कपड़ सही कर ले, फिर आपसे मिलते हैं। तो अब अपनी कपड़ हम सही कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिर आप सो के उठी हैं, जा रही घर, ये अपनी ने बुलाया, कब आओ? फ्लैश तो जा रही दिख रहा, तो आएंगे जब आएंगे, तो बर्थडे तुम्हारे भैया का, अल्लाह हाफिज हीरा जाओ। तो गाइस उमरा हीरा चली गई, अपनी का फोन आया, तो फहीम भाई उन लोग को छोड़ने चले गए। तो देखिए उमरा मेरे साथ काम करा रही थी, लेकिन वो चली गई, इकरा से कह रहा करा लो, खुद ही अपना काम कर रही, तो बीच में तानी आ गई थी, इसलिए ये काम इतनी देर तक फोन नहीं हो पाया, वरना अब तक सारा काम सिमट जाता। तानी आई है, वो कल कहीं जा रही है, तो इसलिए वो आई थी कुछ लेने मैंने, तो बस। तो ये देखिए सारा काम पड़ा है, अभी हमें ये सब तय करना है, सारे कपड़े बास्केट भी पूरी खाली कर ली। तो चलिए थोड़े कपड़े निकाल दिए, हीरा को दे देंगे, थोड़े किसी और को दे देंगे, सब निकाल दिया, और बाकी सब तो आपको दिखाया ही हमने, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलिए फटाफट से काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, जल्दी जल्दी कर ले, क्योंकि क्या हो जाएगा इधर 5 तो बज गया, 6 बजने वाला है, बताइए 4 बजे से बैठे हैं करने के लिए, 6 बज गया, हो जाता हो तानी आ गई बीच में, तो इसलिए नहीं हो पाया।
तो चलिए जल्दी से काम खत्म कर लेते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मेरी कॉबर्ट सही हो गई, ये देखिए सब सेट कर दिया हमने। मेरे स्टोल, ये मेरी जीन्स आधी गंदी पड़ी हैं, ये मेरी ड्रेसेस हैं, टॉप ड्रेसेस टॉप नीचे रखे हुए थे, बाकी सब कुछ सब रेडी ऑलरेडी सब हो गया। ये सब करते करते बज गया 6, मगरिब की अजान हो गई, ये भी सेट हो गई, सब हो गया। तो चलिए थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई शाम के 7 बजे हम खा रहे खाना दिन का, भी हमने काबुली बनाई थी बहुत प्यार से अपने लिए, देखिए खुद से बनी रखी है, ये दही है, ये प्याज सब। चलिए फटाफट से खा लेते हैं, आइए आप लोग भी खा लिए, मिलते उसके बाद।